आदरणीय भगवान, अभी हाल ही में मोदी साहब ने सभी, जी हाँ सभी सरकारी पीएसयू कंपनियों से कहा है कि आप अपनी ग्रीन एनर्जी कंपनी बना लीजिए और उस ग्रीन एनर्जी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट भी किया जाना है। इसी बैकग्राउंड में मान्यवर साल 2020 से आज तक ध्यान दीजिएगा 2 लाख करोड़ डॉलर, रुपयों की बात नहीं हो रही है महोदय, डॉलर की बात हो रही है, 2 लाख करोड़ डॉलर एलोकेटेड हो चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। तो अब ये जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, यदि उनकी ग्रीन सब्सिडरी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उनको पैसे की कमी नहीं होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि एनएलसी इंडिया अभी लिग्नाइट कोयले को जलाकर बिजली पैदा किया करती थी, लेकिन अब वह 10 गीगावाट कैपेसिटी खड़ी कर रही है और उसके लिए भारी भरकम निवेश किया जा रहा है। एनएलसी इंडिया ने तो मान्यवर एक नहीं, दो दो कंपनियां बनाई हैं। एनएलसी इंडिया के जो अभी एसेट्स हैं उनके मोनेटाइजेशन के लिए, उनसे पैसा कमाने के लिए एनएलसी ने बनाई है एनएलसी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। साथ में एनएलसी इंडिया की जमीनातों पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी प्लांट बनाने के लिए एनएलसी इंडिया ने एनएलसी ग्रीन नाम से कंपनी बनाई है। जाहिर है देर सवेर ये दोनों ही कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट होंगी, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का कारोबार है। जाहिर है ये महंगे वैल्यूएशन पर चढ़ेगा। आप देख लीजिए अखबारों में चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन के भविष्य में, एनएलसी इंडिया की ग्रीन सब्सिडरीज के भी चर्चे होंगे। एनएलसी इंडिया आज जो कर रही है, कुछ महीने रुक जाइए, यही काम कोल इंडिया भी करेगी। कोल इंडिया की तरफ से तो 2 IPO ऑलरेडी आने हैं, कोकिंग कोल का बिजनेस लिस्ट होना है, साथ में कोल इंडिया की कंसल्टिंग कंपनी भी शेयर मार्केट में अलग से लिस्ट होगी IPO के जरिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इन सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर आप फोकस कीजिए जो बेहद सस्ते दाम में मिलती हैं। मान्यवर एनएलसी इंडिया में तो विदेशी निवेशकों ने बहुत हिस्सेदारी बढ़ा ली है, म्यूचुअल फंड्स ने भी बढ़ाई है, कोल इंडिया में बढ़ाना बाकी है। कोल इंडिया भी कोयला निकालती थी, वो पुरानी बात हो गई है, अब कोल इंडिया भी अपने खुद के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगा रही है, कोल गैसिफिकेशन कर रही है, सोलर एनर्जी विंड एनर्जी का उत्पादन करती है। सबसे अच्छी बात, ध्यान देने लायक बात यह है कि एनएलसी इंडिया की तुलना में कोल इंडिया आधे वैल्यूएशन पर मिलती है। एनएलसी इंडिया में तो डिविडेंड नहीं है, कोल इंडिया में डिविडेंड है, वो भी 4-5% का। तो कोल इंडिया हुआ, एनएलसी इंडिया हुआ, कौन सी कंपनी चुनना है निवेश के लिए, कौन से सीक्रेट हैं, जैसे जैसे न्यूज फ्लो आता जाएगा उस हिसाब से मैं कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया अपने क्लाइंट्स की सेवा में रिकमेंड करता रहा हूं, करता रहूंगा। आपकी सेवा करना भी मेरा परम सौभाग्य होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा श्रीमान।